हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु व्यम। शिव महापुराण में वर्णित एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी उपाय आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ दोस्तों, जिससे आपकी सारी समस्याएं एक बार में करने से ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चाहे वह किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, चाहे वह किसी से भी संबंधित हो, वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। आज का जो उपाय है वह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह बहुत ही अचूक उपाय है। शिव महापुराण वर्णित करती है गाँव के, नगर के, कस्बे के, मोहल्ले के शिवालय से ज़्यादा अधिक प्रभावशाली बलवान जो शिवालय होता है वह होता है जंगल का, पहाड़ी स्थान का या दुर्गम क्षेत्र का, जो बहुत ज़्यादा अंदर है, जहाँ कोई सेवा पूजा नहीं करता हो वहाँ के शिवालय ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। अगर हम नगर, गांव, कस्बे के शिवालय में कोई उपाय बारंबार कर रहे हैं तो सिर्फ हमें जो नगर से बाहर है या दुर्गम स्थान पर या पहाड़ी में जो शिवालय है वहाँ पर एक बार कर लेने मात्र से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नौकरी, विवाह, व्यापार या पितृदोष जो आपकी समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना वीडियो को, वीडियो में अंत तक जरूर रहना। आपको क्या करना है, अगर लक्ष्मी भी नहीं आ रही आपके घर में तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी यह बहुत ही अचूक उपाय है। सबसे पहले साथियों आप ये देखिए आपके नगर के आसपास कौन सा एकांतेश्वर महादेव का मंदिर है या एकांत में कोई चबूतरे पर महादेव है जो दुर्गम स्थानों पर हो, वहाँ पर सिर्फ आप जाकर के अपनी सेवा दे दीजिए। जहाँ कोई सेवा पूजा नहीं करता हो वहाँ पर आप झाड़ू बुहारी निकाल लीजिए, पोछा लगा लीजिए, इतना कर लेने मात्र से आपकी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएगी। आपको और क्या करना है, आपको लेना है 5 कमलगट्टा और 5 आपको बेलपत्री लेनी है। एक जल कलश में आप ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, 5 बेलपत्र और 5 कमलगट्टा। किसी एकांतेश्वर महादेव में जाइए जहाँ एकांत में महादेव बैठे हैं, जहाँ कोई नहीं जाता, कोई सेवा नहीं करता, आप वहाँ जाइए, वहाँ थोड़ी सी सेवा करिए और जो कलश आप जल का लेकर गए हो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके अपना नाम व गोत्र बोल करके वह आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर बैठ कर वहाँ आप प्रभु का नाम लीजिए, सुमिरन करिए, फिर वहाँ से एक बेलपत्री और एक कमलगट्टा आपको लेकर के आना है। प्रभु से विनती करनी है कि मेरे घर में आप लक्ष्मी के भंडार भर दीजिए, रोग कभी मेरे घर में नहीं आए, सुख शांति से मैं रहूं, मेरा घर संपन्न रहे, प्रभु आप दयालु हो, मुझ पे कृपा करो, इस तरह से कामना करते हुए आप अपने घर आ जाइए। जो बेलपत्री कमलगट्टा आप लाए हो उसे आप लाल वस्त्र में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी के भंडार भर जाएंगे, सारी समस्याएं आपकी खत्म होने लगेगी। तो इसी तरह से जो एकांत में महादेव जी है आप उनका सेवा पूजन करिए तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।